नमस्कार, द बैकपैकर्स ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आर के राजपूत आज आपको दिखाने जा रहा हूँ पुराना किला जो पांडवों के नाम से मशहूर है। चलिए देखते हैं पुराना किला। पुराना किला, यह पुराने किले का बड़ा दरवाजा है। यहाँ से एंट्री होती है। इसमें तीन दरवाजे हैं। पहला दरवाजा है बड़ा दरवाजा, दूसरा है तलाकी दरवाजा, तीसरा है हिमायू दरवाजा, जो कि मैं आपको पूरी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। मैं आपको बड़ा दरवाजा, यहाँ से एंट्री होती है। ये एक सिंगल दरवाजा है। चलिए आगे देखते हैं। ये पुराना किला है, ये चिड़िया घर के बिल्कुल बगल में है। ये देखिए, ये बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है पुराना किला। ये देखिए कितनी अच्छी, देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। दिल करता है कि यार बस यहीं पर ही पड़े रहो। ऐसा लगता है कि हमारा रिलेशन है इन बहलों से, बंगलों से, किलों से, इनसे। दिल करता है बस यहीं पर ही रहो यार। आपका भी दिल करता होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आप जब तक लाइक नहीं करेंगे तब तक हमारी लाइफ ही नहीं होगी यूट्यूब में। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की कोशिश करें। ये देखिए, मैं आपको दिया है तलाकी दरवाज़ा। अभी मैं इसके बारे में बताऊँगा आपको। ये देखिए, ये है तलाकी दरवाज़ा। ये देखिए, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है तलाकी दरवाज़ा। किले का उत्तरी दरवाज़ा है, जिसका मध्य मेरा 17 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। इसमें दो साइड में देखो प्रवेश द्वार है। अभी सीढ़ियाँ दिखाऊंगा, यहाँ से मैं चढ़ के दिखाऊंगा आपको। और जो निचले वाला हिस्सा, यहाँ पे पानी होता हुआ करता था, अभी मैं दिखाऊंगा यहाँ पर पानी हुआ करता था। पहले यहाँ पर पानी हुआ करता था, ये निचला रिश्ता पानी की सतह पर हुआ करता था। ये देखिए, यह है तलाकी दरवाजा। और यह है आदित्य। ये देखिए, पहले यहाँ पर पानी हुआ करता था, निचला
स्तर जो है पानी से भरा होता था ये, इसलिए सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ आपको, हो सकता है कुछ ढंग से दिखा पाऊँ। ये देखिए अब ऊपर से मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, देख पा रहे हैं? ये देखिए साइड से तलाकी दरवाजे को, साइड से देखिए आप कितना ही अच्छा दृश्य लग रहा है। ये देखिए, कोशिश करूंगा अपनी तरफ से पूरा अच्छी तरह से दिखाने का आपको। ये मैं थोड़ा सी हाइट पर हूँ और इसकी एक दीवार पूरी जो भैरव मंदिर है अपने, भैरव बाबा किलकारी वाले बाबा, वहाँ तक जा रही है ये इसकी बाउंड्री। ठीक है, जैसा सूरी ने बनवाया था अपने टाइम पर, ये बहुत अच्छी दीवार और इतनी अच्छी ऊंची दीवार, मोटी दीवार, काफ़ी मजबूती थी। लेकिन काफ़ी ये शेरशाह सूरी के साथ जब लड़ाई हुई थी 1857 का गदर हुआ था, ये जब से ही खंडित है, काफ़ी इसमें नुकसान हुआ था इस किले के अंदर। बाकी आपको मैं दिखाता रहूँगा, ये देखिए पीछे साइंस म्यूजियम है और इसके बिल्कुल नीचे ही किलकारी वाले बाबा, भैरव बाबा का मंदिर है। और आगे देखूँगा, कोशिश करूँगा पूरा दिखाने का आपको। ये देखिए बहुत अच्छी थी खाना तो, हम ये हमारे व्यूवर्स हैं, क्या करेंगे, हम लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अंकल, बहुत अच्छा चैनल है। थैंक यू, थैंक यू बेटा। ये देखिए भैरव बाबा का मंदिर, यहाँ कचौड़ी खाएंगे आगे चल के, बैठ के खाएंगे या खड़े होके, आपको बताऊंगा यहाँ की कचौड़ी का भी स्वाद। अगली वीडियो को देखना भी ना भूलें, जैसे ही पुराने किले की वीडियो आती है उसके बाद में भैरव बाबा के दर्शन आपको कराऊंगा बाबा की कृपा से। ये देखिए ये भैरव बाबा का मंदिर है जो कि मैं ऊपर से दिखा पा रहा हूँ आपको, और अगली वीडियो में आपको बाबा के दर्शन कराऊँगा, देखना ना भूलें। इसीलिए ये देखिए किलकारी वाले बाबा की जय, भैरव बाबा की जय। पांडवों ने ये मंदिर बनवाया था क्योंकि ये किला भी पांडवों ने ही बनवाया था, इसके बाद में शेरशाह सूरी ने इसके ऊपर ये किला बनवा दिया था और पांडवों के मंदिरों को यानी कि एक भवन को इन्होंने दबा दिया या तोड़ दिया, जो भी कुछ कर दिया, क्योंकि इसके तथ्य सच नहीं मिल पा रहे हैं कि ये क्या है। ये देखिए भैरव बाबा के मंदिर परिसर, ये मैं आपको दिखा पा रहा हूँ ऊपर से। बोल भैरव बाबा की जय। ये देखिए भैरव बाबा, अभी आ गए हम वापस किले में। ये देखिए यहां से उतरने का रास्ता नहीं है, आगे उतरेंगे हम, चलते हैं। ये मस्जिद है जिसको मैं अभी अंदर जाकर के आपको दिखाऊंगा, पूरा एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा आपको पुराना किला। ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से हम उतरेंगे अभी। चलिए मैं थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद करता हूँ, चलिए अब नीचे चलते हैं मस्जिद की तरफ, आपको मैं दिखाऊंगा पुराने किले के अंदर मस्जिद। आइए, अच्छा
चलें। ये देखिए ये देखिए, ये शायद ही किसी ने आपको दिखाया होगा लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की। ये देखिए बहुत ही अच्छी जगह है, दिखाऊंगा आगे, पहले मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। ये देखिए पुराना किला, ये देखिए कबूतर उड़ते हुए, क्योंकि यहाँ पर सुनसान है, सन्नाटा है, कोई आता ही नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए आदि, किला कोहना मस्जिद। पुराना किला परिसर में सन 1541 में बनी मस्जिद किला कोहना दो बादशाहों से रिश्ता रहा। इस मस्जिद से दो बादशाहों का रिश्ता रहा है, इसके निर्माण में दोनों का योगदान रहा है। हालांकि ये एक दूसरे से लड़ते भी रहे, शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण अपने निजी इस्तेमाल के लिए किया था। हालांकि ये तामीर होनी शुरू हुई थी हुमायूं के दौर में, इस पर कुरान शरीफ की सूरतें अंकित हैं। इसी परिसर में मस्जिद खैरुल मनाजिल मस्जिद भी है, जिसे मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे द बैकपैकर्स ब्लॉग में। खैरुल मनाजिल मस्जिद को मैंने पूरी तरह से दिखाया गया है। इसमें शेरशाह के द्वारा बनाया गया लाल दरवाज़ा, वो भी मैंने इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप पिछली वीडियो में मेरा देख सकते हैं ब्लॉग के अंदर।
पुराने किले का दूसरा पार्ट देखना ना भूलें, क्योंकि मैं इसमें आपको दिखाने जा रहा हूँ हुमायूं दरवाज़ा, शेरमंडल और कुंती माता का मंदिर, और काफ़ी कुछ भी दिखाऊंगा मैं आपको। इसलिए अगला एपिसोड देखना ना भूलें।